इंटीग्रल का बेसिक पर्सनालिटी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1/x - x³, इसका इंटीग्रल करना है आपको। तो 1/x - x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x, अगर नीचे से x कॉमन कर लें तो ये 1 - x² हो जाएगा। दिस इक्वल टू 1/x - x² को a² - b² को a+b इंटू a - b में ब्रेक कर देंगे, तो x - 1 - x और 1 + x। अब इसको हम लोग आंशिक भिन्न में जो है ब्रेक करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका हमारा यही है। तो 1/x - 1 - x इंटू 1 + x दिस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a/x + b/1 - x + c/1 + x। अब इसके बाद हम लोग जो है ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे कंपेरिजन करके। तो यहाँ से 1/x - 1 - x 1 + x, अब हर बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे तो हर में x है तो 1 - x * 1 + x से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 - x * 1 + x अपान ये हो जाएगा हमारा x * 1 - x 1 + x इंटू a + b में हमारा क्या है 1 - x है तो x * 1 + x से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो x * 1 + x * 1 - x प्लस सी में 1 + x है तो x * 1 - x से अगर हम लोग गुणा कर दें तो x * 1 - x 1 + x पहले था तो हर बराबर हो गया, यानी 1 = हमारा आ गया 1 - x * 1 + x * a प्लस बी x * 1 + x प्लस सी x * 1 - x। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका तो हमारे पास होता है, यहाँ इसको गुणा करिए और x² x और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करिए, दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करिए। लेकिन अगर कहीं पे फैक्टर बन रहा है ये, तो इसमें एक बार हम लोग किसी को भी ये 1 + x = 0 करें, तो 1 + x = 0 करें तो हमारा क्या हो जाएगा x = -1। तो दोनों पक्षों में x = -1 अगर हम लोग रखें, देखिए दोनों पक्षों में x = -1 रखने पर तो बायां पक्ष तो हमारा 1 ही रहेगा। अब x = -1 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और x = -1 ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। एक टर्म केवल बचेगा c और x की जगह पे -1 1 - -1, तो 1 = ये हमारा हो गया 1 - 1 2 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा तो 2 हो गया। तो c इंटू ये हो जाएगा -2c क्योंकि माइनस भी यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारा c = आ गया -1/2। अब c हमारा कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली x = जो है ये एक फैक्टर यहाँ से हमारा निकलेगा, इसको 0 करें तो x = 0 रखने पर, x = 0 अगर हम लोग रख दें दोनों पक्षों में तो 1 = क्या हो जाएगा, x = 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा। तो a * 1 - 0 * 1 + 0 तो यहाँ से a = हमारा सिंपली आ गया 1। अब अगला फैक्टर क्या होगा, 1 - x = 0 करें, 1 - x = 0 करें, इसका मतलब x = 1। अब दोनों पक्षों में x = 1 रखें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 - 1 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल b वाला बचेगा, b * 1 * 1 + 1, दिस इंप्लाइज b = 1/2। तो अगर फैक्टर तीनों बन रहे हैं तो तीनों के जहाँ पे इसको 0 अलग अलग करके x की वैल्यू निकाल के पुट करते जाएंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू निकलती चली जाएगी, या तो आप गुणांकों की तुलना करें। तो a हमारा क्या आ गया, a = 1 b = 1/2 c = -1/2। तो ये हमारा जो इंटीग्रल हमारा ब्रेक हो गया, यानी अगर फाइनली हम लोग बोलें तो 1/x - x³ को हम लोगों ने क्या लिखा था, 1/x * 1 - x * 1 + x a/x + b/1 - x + c/1 + x। तो a की वैल्यू हमारी आ गई है 1, b की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है -1/2। तो इंटीग्रल अपना कन्वर्ट हो गया 1/x - x³
डी एक्स इक्वल टू ए अपान एक्स, ए की वैल्यू 1 है तो 1 बाई एक्स, प्लस बी की वैल्यू 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स, प्लस सी की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है 1 बाई एक्स, और ये ब्रेकर लगा देते हैं डी एक्स। सिंपली ये कन्वर्ट हो गया हमारा, ए बी सी की वैल्यू इसमें हम लोगों ने रख दिया, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 बाई 2, सी की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, तो इंटीग्रल अपना हो गया। अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया, अगले से 1 बाई 2 हम लोग कॉमन कर लें तो 1 अपान 1 माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ से हम लोग अगर 1 बाई 2 इंटीग्रल साइन से बाहर ले लें तो 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रल हमारा क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, प्लस 1 बाई 2। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए 1 माइनस एक्स को हम लोग टी माने, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी और अपान टी, और माइनस 1 बाई 2, और इसमें 1 प्लस एक्स को हम लोग मान लेते हैं y, तो डी एक्स बराबर डी वाई हो जाएगा, तो ये 1 अपान वाई डी वाई, दिस इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 बाई 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड टी। ये माइनस बाहर चला आएगा तो 1 बाई टी का इंटीग्रल लॉग टी हो गया, और माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉड वाई प्लस सी। अब हम लोग टी और वाई की वैल्यू रखते हैं, तो लॉग मॉड एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग, यहाँ पे टी हमारा क्या था, 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग, वाई हमारा क्या था, 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो लॉग एक्स माइनस लॉग 1 बाई 2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स, तो दिस इक्वल टू लॉग मॉड एक्स माइनस, अब हम लोगों को ये फार्मूला सिंपल सा पता है कि लॉग ए के पावर एम होता है, तो एम लॉग ए हो जाता है, यानी अगर आपका कहीं पे एम लॉग ए है तो एम को हम लोग ए के पावर पे लेके चले जाएंगे, एम लॉग ए इक्वल टू लॉग ए के पावर एम। तो यहाँ पे हमारा देखिए 1 बाई 2 यहाँ पे जो है बाहर है, तो माइनस ये 1 बाई 2 इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स के पावर 1 बाई 2 का मॉड माइनस लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई 2 का मॉड प्लस सी, एंड लॉग एम माइनस लॉग एन हमारा होता है लॉग एम बाई एन। तो ये भी फार्मूला लगा देंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग एम बाई एन, यानी लॉग एम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपान 1 माइनस एक्स के पावर 1 बाई 2 का मॉड माइनस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई 2 का मॉड प्लस सी। फिर लॉग एम माइनस लॉग एन का एक बार और फार्मूला लगा देंगे, तो सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एम बाई एन, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल लॉग एक्स अपान 1 माइनस एक्स के पावर हाफ और 1 प्लस एक्स के पावर हाफ का मॉडुलस प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आपका है, 1 अपान अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रल हमको करना है। तो अब सिंपली इसका जो है परिमेयीकरण कर देते हैं हर का, हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब जो हमारा हर में है रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, तो दिस इंटीग्रल इक्वल टू रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी
इंटू रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी जो है अंश और हर में जो है उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दिया, हर का परिमेयीकरण हो जाएगा इससे। तो ए प्लस बी, हमको ये फार्मूला पता है कि अगर आपका कहीं पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू, ऊपर तो हमारा वही रहेगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपान, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर करते, तो रूट का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर वन बाई टू है रूट एक्स का मतलब इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, एक्स के पावर वन बाई टू इंटू टू इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपान, ये हो जाएगा हमारा x प्लस ए और माइनस x माइनस बी, तो x से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दिस इक्वल टू x x ख़त्म हो गया a माइनस बी, और a माइनस बी हमारा कांस्टेंट है, a माइनस बी कांस्टेंट से बाहर आ गया, रूट ऑफ x प्लस ए माइनस रूट ऑफ x प्लस बी डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट हम लोग इसका इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं। तो दिस इक्वल टू वन अपान ए माइनस बी, और आपका एक इंटीग्रल हो गया रूट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, और माइनस रूट ऑफ अगला इंटीग्रल हो गया एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए एक्स प्लस ए को अगर हम लोग टी मान लें, एक्स प्लस ए इक्वल टू टी माने, तो डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे एक्स प्लस बी को अगर वाई मान लें तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू वन अपान ए माइनस बी, तो हमारा पूरा कॉमन ही है बाहर ब्रैकेट में, रूट एक्स प्लस ए बराबर टी है तो ये रूट टी हो जाएगा, यानी रूट टी डी टी। तो टी के पावर वन बाई टू प्लस वन अपान वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा इसका इंटीग्रल, माइनस इसका इंटीग्रल हो जाएगा वाई के पावर वन बाई टू प्लस वन अपान वन बाई टू प्लस वन, और इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे तो वन अपान ए माइनस बी, नीचे थ्री बाई टू है तो ये टू बाई थ्री आ जाएगा, और टू बाई थ्री दोनों में आएगा तो कॉमन टी के पावर थ्री बाई टू, और टी हमारा क्या है एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए के पावर थ्री बाई टू माइनस वाई के पावर थ्री बाई टू, और वाई हमारा क्या है एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, टू अपान थ्री टाइम्स ए माइनस बी, और ये हो गया हमारा एक्स प्लस ए के पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका विविध प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग करते हैं, इंटीग्रेट करना है आपका थ्री, वन अपान एक्स इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स इसका इंटीग्रल करना है, अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, इसमें एक्स इक्वल टू आप पुट करिए ए बाई टी, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ए तो हमारा बाहर हो गया और वन अपान टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन अपान टी स्क्वायर डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ए अपान टी स्क्वायर डी टी, एक्स इक्वल टू ए बाई टी। तो दिस इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा डी एक्स की जगह पे माइनस ए अपान टी स्क्वायर डी टी अपान एक्स की जगह पे ए बाई टी है, अंडर रूट ए इंटू ए बाई टी माइनस ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू माइनस ए अपान टी स्क्वायर है, और ये ऊपर टी बाई ए हो जाएगा, टी बाई ए डी टी अपान ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टी माइनस
ए स्क्वायर बाई टी माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू एक टी, एक टी खत्म, ए खत्म हो गया, ऊपर हमारा बचा माइनस वन बाई टी डी टी और नीचे हमारा ए बाहर आ जाएगा, तो वन बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया दिस इक्वल टू, ये हमारा हो गया माइनस, माइनस तो बाहर ले लेंगे, वन अपान ये हमारा टी नीचे आ गया, तो वन बाई ए इंटू टी और ब्रैकेट अंडर रूट वन अपान टी माइनस वन अपान टी स्क्वायर डी टी, यहाँ तक हो गया। फिर दिस इक्वल टू माइनस ए भी बाहर ले लेते हैं, वन बाई ए इंटीग्रल साइन से ए, और ऊपर हो गया हमारा डी टी और नीचे टी है रूट के बाहर तो अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर से गुणा होगा, रूट के बाहर टी है तो रूट के अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई टी माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू माइनस वन बाई ए डी टी अपान अंडर रूट टी स्क्वायर बाई टी, ये हमारा हो गया टी और ये हो गया माइनस वन, तो ये टी माइनस वन, यहाँ तक हो गया। तो इंटीग्रल हमारा जो आ गया ये माइनस वन बाई ए डी टी अपान अंडर रूट टी माइनस वन। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए हम लोग टी माइनस वन को सपोज करिए कि वाई मान लेते हैं, टी माइनस वन इक्वल टू वाई, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई, तो ये हो गया दिस इक्वल टू माइनस वन बाई ए डी टी डी वाई हो गया और रूट वाई, दिस इक्वल टू माइनस वन बाई ए वाई के पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रल, वाई के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपान माइनस वन बाई टू प्लस वन, दिस इक्वल टू माइनस वन बाई ए और ये ऊपर वाई के पावर वन बाई टू हो गया और नीचे हमारा वन बाई टू, तो ऊपर जाके चलिए यहाँ वन बाई टू ही लिख देते हैं, दिस इक्वल टू माइनस टू बाई ए और वाई के पावर वन बाई टू, वाई हमारा क्या है टी माइनस वन, टी माइनस वन के पावर वन बाई टू, और अब हम लोग टी को भी रिप्लेस कर लेते हैं, टी इक्वल टू हमारा क्या है एक्स इक्वल टू, हम लोगों ने माना था एक्स इक्वल टू ए बाई टी, तो यहाँ से x इंटू टी बराबर a हो जाएगा, यानी t की वैल्यू हो जाएगी a बाई एक्स, तो t की वैल्यू a बाई एक्स इसमें पुट कर देंगे तो माइनस टू बाई ए बाई एक्स माइनस वन के होल पावर वन बाई टू, दिस इक्वल टू माइनस टू बाई ए, ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपान एक्स का अंडर रूट प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग करते हैं, वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर फोर प्लस वन के होल पावर थ्री बाई फोर डी एक्स, अब इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं, वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर फोर प्लस वन के होल पावर थ्री बाई फोर, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें अंश और हर में एक्स के पावर माइनस थ्री से गुणा कर देते हैं, अंश और हर में गुणा करने पर देखिए इससे क्या होगा, दिस इक्वल टू एक्स के पावर माइनस थ्री डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर माइनस थ्री और एक्स के पावर फोर प्लस वन के पावर थ्री बाई फोर, दिस इक्वल टू एक्स के पावर माइनस थ्री और ये एक्स के पावर फोर प्लस वन ये ऊपर जाएगा तो होल पावर माइनस थ्री बाई फोर हो जाएगा और नीचे हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर माइनस थ्री,
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग x के पावर 4 प्लस 1 के होल पावर माइनस 3 बाई 4 ऊपर लिखा रहने देते हैं, नीचे x के पावर माइनस 3 को नीचे लाएंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, और x के पावर 3 हो जाएगा तो ये x के पावर 3 और इंटू ये x के पावर 2 इंटू x के पावर 3 मिलके x के पावर माइनस 1 बन जाएगा, तो x के पावर माइनस 1 दिस डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 1 के होल पावर माइनस 3 बाई 4 अपान एक्स क्यूब को, तो हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, एक्स के पावर माइनस 1 को देखिए हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स के पावर 5, ये हमारा x के पावर माइनस 3 नीचे आया, x के पावर 3 हो गया, और ये पहले से x के पावर 2 इंटू x के पावर माइनस 3 था, तो ये हमारा x के पावर 3 नीचे आया और ये 2 को मिला के x के पावर 5 कर लिए, और ये हमारा x के पावर माइनस 3 बचा रहेगा। देखिए ये x के पावर माइनस 3 है, नीचे आएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, तो x के पावर 3 और इसके पावर 2 मिलके x के पावर 5 हो गया, और x के पावर माइनस 3 बचा रहेगा, तो ये x के पावर 5 और x के पावर जो माइनस 3 है इसको हम लोग लिखते हैं x के पावर माइनस 4, x के पावर माइनस 4 या x के पावर प्लस 4 के होल पावर माइनस 3 बाई 4, अगर हम लोग देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए एक्स के पावर माइनस 3 इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्स के पावर 4 के होल पावर माइनस 3 बाई 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के पावर 4 इंटू माइनस 3 बाई 4, तो 4 खत्म होकर ये फाइनली हमारा क्या आ गया, x के पावर माइनस 3, तो x के पावर माइनस 3 को हम लोग x के पावर 4 के होल पावर माइनस 3 बाई 4 लिखते हैं, इससे हमारा क्या होगा, ऊपर भी माइनस 3 बाई 4 नीचे भी माइनस 3 बाई 4, तो ये पूरा हमारा माइनस 3 बाई 4 के अंदर आ जाएगा, कि x के पावर 4 प्लस 1 अपान x के पावर 4 के होल पावर माइनस 3 बाई 4 और नीचे हमारा है x के पावर 5 डी एक्स, और x के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान x के पावर 4 के पावर माइनस 3 बाई 4 और 1 अपान x के पावर 5 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट हम लोग अगर देखिए आसानी से कर सकते हैं, फाइनली हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, अपना दिस इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान x के पावर 4 के होल पावर माइनस 3 बाई 4 इंटू 1 अपान एक्स के पावर 5 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल देखिए सिंपल है हमारा, अगर 1 अपान एक्स के पावर 4 को हम लोग टी मान लें, यानी 1 अपान एक्स के पावर 4 को टी, यानी एक्स के पावर माइनस 4 को टी, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस 4 एक्स के पावर माइनस 4 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी माइनस 4 x के पावर माइनस 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी माइनस 4 डी एक्स इक्वल टू 1 अपान, ये हमारा हो जाएगा, ये 1 अपान x के पावर माइनस 5 है ऊपर, तो हम लोग 1 अपान x के पावर 5 डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 डी टी, तो 1 बाई x के पावर 5 डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस 1 बाई 4 डी टी, और ये 1 प्लस टी के पावर माइनस 3 बाई 4 हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 1 प्लस टी के पावर माइनस 3 बाई 4 और इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1 बाई 4 डी टी, तो हमारा माइनस 1 बाई 4 तो कॉमन हो गया, इंटीग्रल साइन से बाहर हो गया, तो 1 प्लस टी के पावर माइनस 3 बाई 4 डी टी। अब इसका इंटीग्रल तो आसानी से 1 प्लस टी को अगर हम लोग वाई मान लें तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई, तो ये इंटीग्रल का नोट हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई 4, ये हमारा 1 प्लस टी को वाई, यानी वाई के पावर माइनस 3 बाई 4 और डी टी बराबर डी
वाई, तो दिस इक्वल्स टू माइनस वन बाई फोर, इसका इंटीग्रल हो गया वाई के पावर माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन प्लस सी, दिस इक्वल टू माइनस वन बाई फोर तो ये है, और ये वन माइनस थ्री बाई फोर यानी फोर माइनस थ्री वन बाई फोर, तो ऊपर जाके फोर हो गया, और वाई के पावर ये वन बाई फोर प्लस सी, तो दिस इक्वल टू माइनस वाई के पावर वन बाई फोर प्लस सी। अब वाई और की वैल्यू रिप्लेस करें तो y हमारा क्या है, y हम लोगों ने माना है 1 प्लस टी को, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस टी के पावर 1 बाई फोर प्लस सी। अब फाइनली t को भी हम लोग रिप्लेस कर दें, t हमारा क्या है 1 अपान x के पावर 4, तो दिस इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 अपान x के पावर 4 के होल पावर 1 अपान 4 प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।